सीरियल अनुपमा में शो जीतने के बाद अनुपमा का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुपमा के पर्सनल मुद्दों पे सवाल उठाए जा रहे हैं। तो क्या है पूरी डिटेल, आइए जानते हैं। अनुपमा सीरियल में हमने देखा कि किस तरह से अनुपमा ने शो जीत लिया। शो जीतने के बाद अनुपमा स्पाइस एंड चटनी की पार्टनर बन गई, यशदीप के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो एक शेफ से अब बिजनेस वुमन बन गई है। अनुपमा अब स्पाइस एंड चटनी की पार्टनर बन गई है और शो जीतने के बाद अनुपमा का फर्स्ट टाइम उनके ही रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम लोग देखते नजर आ रहे हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुपमा से मीडिया वाले ये सवाल करते हैं कि अनुपमा की दो दो शादी हुई है और वो अपनी एक भी शादी नहीं निभा पाई, जिस पर अनुपमा कहती है कि मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने पर्सनल मुद्दे के बारे में कुछ भी बात करने वाली नहीं हूँ। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होने जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ हंगामा तो होगा ही। देखते हैं मीडिया वाले अनुपमा के पर्सनल मुद्दे पे क्या क्या सवाल उठाते हैं, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अनुपमा से पर्सनल सवाल किए जाना क्या ये सही है? जो भी लगता है कॉमेंट करें और भी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें गपशप को।